रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ये। सॉरी से कम नहीं था। रितेश, क्या हुआ था कल रात को? कीर्ति, जस्ट अ मोमेंट कीर्ति। रितेश, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सच बताना क्या हुआ था कल? कीर्ति, रिलैक्स। रितेश, तुम मजाक कर रहे हो ना? कीर्ति, प्लीज रिलैक्स। प्लीज बोलो ना, कलो क्या हुआ था कल आपको? रितेश, प्लीज बताओ ना मुझे क्या हुआ था। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है ये सब? मॉम, मॉम प्लीज, हम दोनों गलत मत समझना। अगर मैं अपनी फ्लाइट प्रीपोन करके नहीं आती तो मैं तुम दोनों को गलत ही समझ रही होती। मॉम प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। कम ऑन रितेश, ये सब देखने के बाद तो मुझे रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हो? आंटी, आप जैसे समझ रही हैं सब बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं है आंटी। वो तो क्या बात है कीर्ति, तुम ही मुझे बताओ, तुम रितेश के कमरे में उसके बेड पर इतनी सुबह क्या कर रही हो? आंटी, मैं सच कह रही हूँ, वो आई स्वेयर कल रात को पार्टी। रितेश, बोलो ना मम्मी को कि ऐसी कोई बात नहीं है। रितेश, कीर्ति, जस्ट लीव। आई सेड जस्ट लीव। कीर्ति, जो भी कहा मैंने सब कुछ किया, पर सबका एंड क्या होगा, कैसे होगा, मुझे पता नहीं। बस इतना कि ये सब करते वक्त मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रितेश बेटा, ये सब करने का हमें भी कोई शौक नहीं है, पर तुम तो सब जानते हो ना कि कैसी सिचुएशन है हमारी, और मजबूरी में ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है। कीर्ति को अचानक मेरी याद कैसे आ गई? हेलो निशु, बाहर बालकनी में आना जल्दी। फिर से कुछ पंगा किया क्या? नहीं निशु, जल्दी आना। हाँ
हाँ एक मिनट। कीर्ति तू अभी आ रही है? शु और चिल्ला के बोलते। हाँ प्ला सॉरी, लेकिन तू ऐसी तो कौन सी पार्टी में गई थी जो इतनी देर तक चली? कीर्ति सब ठीक है ना? अब कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा तुझसे? तू ना बता, मैं अभी के अभी उसको शु। चिल कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बस अपना ट्रैक सूट नीचे फेंक दे, मैं वो चेंज कर लूंगी। मैं ऐसे नहीं आ सकती घर में। लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, संभाल के। हाँ सब उठ चुके होंगे, आराम से आए। पता नहीं कीर्ति अब कौन सा नया ड्रामा क्रिएट करने वाली। ओ तेरी, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। कहीं विराज सर का इंटरनेट खराब तो नहीं हो गया? गुड मॉर्निंग कीर्ति बेटे, यहाँ क्या कर रही हो? हाय बाबा। हेलो। ओ हो, जॉगिंग से आ रही हो? वेरी गुड वेरी गुड। भाई कुछ महीनों में शादी होने वाली है, कीपिंग फिट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई अच्छा है, शादी के बहाने ही सही तुमने जॉगिंग तो शुरू की। कल से हम दोनों साथ में चले गए जॉगिंग करने। ओके गॉड, कोई भी मिल जाए, बस दादाजी ना मिले। जी जरूर। नहीं रितेश ने हमें कुछ नहीं बताया, नहीं तो हम थोड़ी और तैयारी कर लेते। अरे नहीं नहीं आप आइए ना, आप ही का घर है। हाँ जी, रितेश की मम्मी का फोन था। हाँ पता नहीं कुछ अजीब तरीके से बात कर रही थी। अच्छा सुन, रितेश ने तुझे बताया था कि उसकी मम्मी आने वाली है? नहीं तो यहाँ आ रही है क्या? हाँ अचानक ही। अच्छा सुन, तू कल कितने बजे आई थी? मैं तो आ गई थी, आप सो रहे थे। अच्छा ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो जा। जा ना, जा। कीर्ति, निशु मम्मी है। तो अभी आ रही, तू पूरी रात बाहर थी। घर पे किसी को पता चल गया ना तो पैन बच जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो तू ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या रितेश के साथ? सब कुछ निशु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जाना, तुझे लेट हो जाएगा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। निशा। yes, क्या प्रियंका आपको अपने काम में मदद कर रही है? नो सर, सर लेकिन मुझे किसी असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद बेटर हैंड कर सकती हूँ। सुना आपने प्रियंका, इस निशा को लगता है कि आप उनका काम खराब कर रही हैं। लेकिन भाई इसने मुझे, I'm sorry, मिस निशा ने मुझे सुबह से कोई काम ही नहीं दिया है। मैं कर सकती हूँ भाई, पर इसके लिए मिस निशा को थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। मिस निशा, इन्हें काम दीजिए। सर प्लीज सर, सर मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। आप अपने बॉस की बात टाल रही है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, सर मैं उसको काम दूंगी, वो कर नहीं पाएगी और फिर सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ेगा। सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ ना। एक्सक्यूज मी मिस निशा, आई नो तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है फिर, सर के लिए कॉफी लेकर आओ जैसे उन्हें पसंद है। ये फाइल्स को योर इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज करो और सर की एक मीटिंग है उसके लिए फॉर्मेट तैयार करो और पिछले 4 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सर की डेस्क पर देना, सर को देखनी है। अब तुम ये बताओ कि इनमें से तुम क्या क्या कर सकते हो।
मैं भाई के लिए कॉफी ला सकती हूँ। बस मुझे फाइल्स, प्रेजेंटेशंस एंड अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, जाओ कॉफी लेकर आओ। भाई आप कैसी कॉफी लेते हैं? ब्लैक कॉफी विद लेस शुगर। प्रियंका, फोकस सिर्फ शूटिंग रेंज में नहीं, जो लाइफ में भी होना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारा ऑफिस है, हम चाहे जो करें, चाहे बॉस बन के रहे, ये आपका असिस्टेंट। यू हैव अ प्रॉब्लम? सर, आप एक अच्छा असिस्टेंट नहीं है। पर आप एक बहुत अच्छी बॉस बन सकती हैं। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा गुरूर, नाइस। सर, लेकिन मुझे बॉस बनने का कोई शौक नहीं। यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर, क्या बड़ा नहीं सोचते? I think it's time. Now don't tell me कि आप ज़िंदगी पर एक office assistant ही बनके रहना चाहती। चलिए, कम से कम आपने मैं देखा तो सही। सर, लेकिन जो आप कह रहे थे वो वक्त आने पे आप समझ जाएंगे। सर, एक मिनट। सर, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई। एक मिनट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।